than big wounds. Okay. So the second question says, it is permissible to locate a baby's identification band somewhere other than ankles when? Ankles ke alawa kahin aur pe kab dekhna hai? Identification bands for the babies. The identification band should be located on the baby's ankles with the correct identification detail unless the baby is extremely premature or immediate vascular access is required. तो first line में answer दे दिया. Premature है या immediate vascular access चाहिए? The baby is being moved to an emergency. ये भी match तो कर रहा है, answer A ही होना चाहिए वैसे. चलो आगे बढ़ते हैं. If for any reason the bands need to be removed, अगर removed they should be relocated to the wrist or if this is not fixed visibly to the inside of incubator. Otherwise, inside of incubator पे लगा दो. इसने कहा it is permissible to locate a baby's identification band somewhere other than ankles. Main चीज तो ये बताइए जब emergency हो. If any reason, यहाँ पे तो reason दिया ही नहीं है, तो ये line तो हमारे काम की नहीं है. इसने कहा है किसी reason में अगर करना पड़ता है, लेकिन हमें question तो यही पूछा है कि हम कब कर सकते हैं. कब का मतलब वो reason ही तो चाहिए हमें, तो इसमें answer तो नहीं होना चाहिए. Any ill-fitting or missing labels should be replaced at first check. Identify must be applied to the baby's ankles at the earliest opportunity. At the मतलब सिर्फ अच्छा identification band must be applied to the baby's ankles as the condition allows and definitely in the event of fire evacuation or transportation. तो transportation और evacuation में तो पक्का ankle पे ही होना चाहिए. हमें तो पूछा है other than ankle, so सिर्फ first line में ही answer दे रखा है. बेबी इज एक्सट्रीमली प्रेमेच्योर, द बेंड्स में इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट. हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि इंटरफेयर मतलब इमीडिएट वैस्कुलर एक्सेस, तो बेंड्स में इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट, यस. एमरजेंसी वाली बात में तो उसने कहा है फायर इवैक्यूएशन और ट्रांसपोर्टेशन की एमरजेंसी में तो पक्का ही वो एंकल पे ही होना चाहिए. अप्लाइड टू बॉडीज एंकल्स एट द अर्लीस्ट, तो वो तो वापिस, तो ये वाला एमरजेंसी वाला गलत हो गया क्योंकि एमरजेंसी का मतलब तो ट्रांसपोर्टेशन और फायर इवैक्यूएशन है, उस केस में तो पक्का एंकल में ही होना चाहिए. ट्रीटमेंट के साथ इंटरफेयर कर सकता है, ये दे रखा है इमीडिएट वेस्कुलर एक्सेस. जब आपको वेसल्स की एक्सेस चाहिए तब तब आप कर सकते हो. द बेबी इज इन एन इंक्यूबेटर, ये भी नहीं दे रखा. तो आंसर शुड बी बी, बट आई विल चेक आउट द क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई हैव डन इट इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ. सो आई विल आस्क यू एंड विल अनम्यूट यू. व्हाट इज द आंसर? सो व्हाट्स द आंसर गाइज? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड. यस, व्हाट्स द आंसर? नाउ नाउ यू कैन स्पीक. सर बी बी आंसर है, देन इज परफेक्ट. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई शुड एक्सप्लेन यू अगेन. देखो बी मैंने क्यों किया, अदरवाइज देखो मैं भी तो आपकी तरह ही, मतलब मेरे को भी तो लग ही रहा था ए है, लेकिन ए में क्या है इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब फायर इवैक्यूएशन और ट्रांसपोर्टेशन, तो मैंने कहा नहीं नहीं इमरजेंसी में तो पक्का एंकल्स पे ही होना चाहिए. तो इसने तो पूछा है अदर देन एंकल्स, एंकल्स के अलावा कहाँ पे लगा सकते हैं? जब वेस्कुलर एक्सेस चाहिए तब, और दिस द बेबी इज इन एन इंक्यूबेटर, ये तो बात ही नहीं मेरे को समझ आई कि इनसाइड द, वो तो उसने ये कहा था. तो इस वाली लाइन में तो आंसर ही नहीं था क्योंकि मैंने ये, यहाँ पे हमें रीजन ही ढूंढना था. रीजन कैसे पता लगता है? ये परमिसिबल है यानी ये अलाउड है टू लोकेट अ बेबी समवेयर एल्स अदर देन एंकल्स, कि कब अलाउड है? तो यहाँ पे लिखा था इफ फॉर एनी रीजन, तो यहाँ पे कब का रीजन तो दिया ही नहीं, तो ये लाइन तो वैसे ही मेरा आंसर नहीं हो सकती इंक्यूबेटर वाली. सो द ओनली ऑप्शन आई हैड टू डू इज बी, एंड दैट इज हाउ दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन हैज गोन राइट with little bit of understanding. So this is again Dr. Bhupesh from Dr. BK Institute.